हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस गेम पे। मैं आपका भाई संजीव शर्मा बोल रहा हूँ। तो भाई देर ना करते इस ब्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। तो भाई कल की थी गाड़ी खाली डिपो में, तो उधर से आ गए थे रात को ओपसी। अभी ओपसी से चले हैं वापस आगे की और रह गया तंग लंगला 28 किलोमीटर। तो चलो तंग लंगला की चढ़ाई चढ़ते हैं धीरे धीरे। तो साथ ही साथ में मैं इस ब्लॉग का भी स्टार्ट कर लेते हैं, इस ब्लॉग को भी। तो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया, चलते हैं तंग लंगला भी चढ़ते हैं और बर्फ़ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। जो पिछली बार रह गया नज़ारा वो इस बार फिर दिखाएंगे, क्योंकि पिछली बार तंग लंगला जो है ना रात को चढ़ा था, अभी इस बार तो दिन को चढ़ा, सुबह सुबह के टाइम पर चढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं, फिलहाल आ गई करते हैं तंग लंगला पार, फिर उसके बाद करते हैं आपसे पार क्या करते हैं, मतलब कि तंग लंगला टॉप पे पहुँचते हैं फिर करते हैं पार। तो भाई चढ़ रहे हैं चढ़ाई तंग लंगला की। तो अभी आधा एरिया आधी चढ़ाई चढ़ रही है, आधी अभी बुकी बुकाया बची हुई है पीछे। तो देख सकते हो पार पहाड़ियों पे बर्फ। भाई इस बर्फ़ के बीच से ही जाना है, मैंने अभी ऐसा नज़ारा रहा बर्फ़ का, कीजिए एंजॉय। चलो चलते हैं ऊपर टॉप पे ही, वहीं चल के करते हैं बात, पहुँचते हैं फिलहाल धीरे धीरे टॉप पे। सब मस्त ज़्यादा रहा है, सुबह सुबह के टाइम का ना, अभी मस्त व्यू आ रहा है भाई, मस्त व्यू आ रहा है। चलो चलते हैं फिलहाल आगे चल के करते बात। ऊपर 1.5 किलोमीटर रह गया तंग लंगला टॉप। तो भाई बर्फ़ देख सकते हो इधर से ही शुरू है, इधर भी मतलब पीछे से ही शुरू थी। तो मैं चलो खड्डे जाम थोड़े ज़्यादा हैं, इधर से छाट लेना शुरू हुई है। देख सकते हो आप आज ही बर्फ़ पड़ गई है, ताज़ा छट्टा बर्फ हुआ। भाई पूरे का पूरा रोमांचक मौसम लगेगा भाई, बुट्टा अब तक बस ऐसे ही दिखी बर्फ़ आपको, धीरे धीरे और ज़्यादा होती जाएगी। साथ तो फिर आदमी को टेंशन नहीं होती यार, आदमी गाड़ी चलाता रहता दोनों हाथ फ्री होते हैं, उसको आदमी दूसरे आदमी को कह देता है भाई तू शॉट उठा। तो चलो भाई चलते हैं फिलहाल टॉप पे, ऊपर ही चल के करते हैं बाहर यार, खड्डे जाम बहुत हैं यार, चलते हैं फिलहाल ऊपर। तो भाई पहुँच चुके हैं तंग लंगला टॉप पे। तो भाई खड्डा जाम पे है ना यार, क्या करें बर्फी पे ऐसे यार, लोग ने हर साल नए भी डाले ना, तो नई बार हर बार नई लोग डालें तब भी हर साल बर्फ़ पड़ती है ना, बर्फ़ पड़ने के बाद भाई पानी की वजह से पूरी की पूरी रोड ख़राब हो जाती है। देखो कितने खड्डे हैं यार, क्या कर रहे हैं। तो भाई तंग लंगला है, उसके बाद आ गई 12 लाचा भी दिखाएंगे हम आपको, पिछली बार भी दिखाया था 12 लाचा का। ऊपर देखो ऐसा मस्त है,
इस साइड पर चुके हैं भाई डॉन में, चलते हैं नीचे फिलहाल पहुँचते हैं जुआ ग्राउंड धीरे धीरे, तो आगे चल रहे आगे चल के करते हैं बात, पहुँचते हैं नीचे जुआ ग्राउंड की तरफ, उसके बाद करते हैं बात। तो भाई तंग लंगला उतर लिया नीचे, थोड़ा सही रहा, डीप रिंग आ गया 8 किलोमीटर रह गया। देखो भाई नींद का काम इसलिए कहते होते हैं भाई नींद में मत चलो, नींद में ये गाड़ी नींद में गई है भाई, चढ़ाई का पैर था, चढ़ाई चढ़ रही थी गाड़ी, तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते भाई नींद आ गई होगी, बाहर हो गई गाड़ी थोड़ी सी, तो बस हो गया काम खराब, काम खराब हो गया है। तो देखो कैसा व्यू आ रहा आसमान का भाई, नीचे का भाई पूरी पूरी पहाड़ियों, मस्त व्यू है भाई। चलते हैं फिलहाल आगे, तो जुआ ग्राउंड पहुंचने वाले हैं, बस स्टार्ट होने वाला है, रह गया भाई 1 किलोमीटर के करीब, तो चलते हैं फिलहाल आगे, इधर आगे चल के करते हैं हमसे भाई। चल रहे हैं अभी जुआ ग्राउंड, तो जुआ ग्राउंड चल ही रहे हैं भाई, ऐसा रहा नज़ारा जुआ ग्राउंड का, बहुत बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड ही ग्राउंड है यार, जहाँ तक नज़र मारो ना ग्राउंड ही नज़र आता है आगे, इधर तो इस साइड तो पहाड़ी है, इस साइड भी पहाड़ी है, आगे सीधा लेंथ में यार बहुत लंबा है, बाहर पहाड़ी पे बर्फ भी है, बस भाई एक ही चक्कर शायद लग सकता, हो सकता है कि लगे तो एक ही लगे ना, नहीं भी लग सकता भाई, बर्फ का कोई पता नहीं कब गिर जाएगी, खींच के एक आधा चक्कर और लग सकता है इस रोड के, उसके बाद बंद हो जाएगी। बाकी चल रहे हैं पांग रह गए जैसे 30 किलोमीटर है, तो अपना सफर काटने जा रही है, तो चलते हैं फिलहाल पांग पहुँचते हैं धीरे धीरे, चलते हैं फिलहाल पांग, तो पांग चल के देखते हैं कोई चाय वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद उधर से आगे निकलेंगे, चलते हैं फिलहाल पांग, तो पांग चल के करते हैं आपसे बात। भाई पांग में रुकने के बाद ब्रेकफास्ट किया ही, ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी चलते हैं आगे, और धीरे धीरे हमें आगे का सफर निकालना है यार, बारह लाचा पार करना है, उसके बाद दिक्कत कम हो जाएगी, परेशानी नहीं होगी, बारह लाचा तक दिक्कत है थोड़ी, तो चलो चलते हैं फिलहाल आगे, पहुँचते हैं सरचू, फिर करते हैं आपसे बात। पहुँच चुके हैं फाइनली, बाइक अच्छी है, उतर रहे हैं, वो देखो नीचे नीचे, तो कितने पहले बाइक आती है सारी, फिर उसके बाद आगे चल के करते हैं। फाइनली भाई साहब पहुंच चुके हैं सरचू, देख सकते हो भाई ये आ गया सरचू ले और हिमाचल का बॉर्डर, वो बाहर जो बोर्ड लगा हुआ हिमाचल का बॉर्डर है, तो इधर रहा हमारा पहले जे एंड के का था, ले का हो गया खाली सर, सिचुएशन सब मस्त नज़ारा लग रहा है, ये रहा बोर्ड, ये जो बोर्ड है यहाँ पर होती है लेक एंट्री, हिमाचल की, चलो फिलहाल कर लेते हैं नाका बार, तो उसके बाद करते हैं भाई सचू पार कर दिया, सचू पार करने के बाद चल रहे हैं आगे, तो चलते हैं फिलहाल आगे ही, बारह लाचा पहुँचते हैं, बारह लाचा पहुँचने के बाद देखते हैं सिस्टम है, चलो चलते हैं फिलहाल आगे ही, पहुँचते हैं बारह लाचा, फिर उधर का दिखाते हैं हम आपको नज़ारा। भाई बारह लाचा से थोड़े से पीछे हैं सचू पार करने के बाद, आगे सीधे आ गई, तो बारह लाचा रह गया इधर से 2-4 किलोमीटर, ऊपर टॉप पे चलते हैं, टॉप पे चल के ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं, चलते हैं फिलहाल। भाई बारह लाचा टॉप पे पहुँच चुके हैं, मेरा सामने भूत बंगला, ये पहले पहले बहुत बड़ा बंगला था, तोड़ ताड़ दिया, देखो कैसे टूरिस्ट आए हुए हैं, पूरा बर्फ का इंजॉय कर रहे हैं भाई, जिंदगी का मजा, ये देखो हमारे पार शर्ट वाले जा रहे हैं, हाँ देख सकते हो आप पूरा बर्फ का नज़ारा इंजॉय कर रहे हैं भाई, कीजिए आप इंजॉय, ये तो इंजॉय कर ही रहे हैं, आप ही इंजॉय कीजिए भाई, तो चलो चलते हैं फिलहाल
नीचे ही जिंजीबार वगैरह करते हैं बाहर। जिंजीबार से पहले भी वो नीचे का शॉट दिखाऊंगा मैं आपको अगर जाम जूम ना लगा तो। चलते हैं फिलहाल आगे, अभी जल्दी करने वाला हूँ। पूरी बाइक चादर पीछी हुई है भाई भाई, पॉप लाइन वगैरह लगी हुई है आगे, टेम्पर लोड कर रही है, थोड़ा लगा हुआ है जाम। तो चलो मैं तब तक शॉट ले लेता हूँ। जब ही हमारे एक भाई साहब है, भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा बर्फ की फुहारे पड़ रही है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, अच्छा महसूस हो रहा है। तो ऐसा रहा नज़ारा, ऊपर पहाड़ी पे पूरी बर्फ ही बर्फ मिलेगी भाई, पूरी बाइक चादर बिछी हुई है। बस और 5-7 दिन की बात है भाई, उसके बाद ये पानी जो है ना पूरे का पूरा जम जाता है यार। चलो चलते हैं, जब इधर से आगे तो फिर करते हैं आपसे बात, तब तक करते हैं वेट इधर जाम खुलने का। तो भाई बाकी उधर से घूम कर सीधा रोड चला गया नीचे से आगे दारचा वाली साइड। तो चलो फिलहाल तो चिंग चिंग बार पहुँच चुके हैं, चलते हैं चाय वगैरह मिलेंगे इधर, फिर उसके बाद इधर से निकलेंगे आगे के लिए। चलो चलते हैं फिलहाल जिंग बार पहुँचते हैं, तो उसके बाद निकलेंगे फिर आगे। तो भाई चाय चुई पी ली, अभी चलेंगे आगे जिंग जिंग बार। इसी ढाबे पे भी मतलब ये तंबूसा ढाबा जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर हमने जाके चाय चुई पी अभी, अभी हम इधर से निकले वाले यार। इसने हंसने वाली कौन सा तंबू जैसे ही लग रहा है बाहर से। तो चलते हैं फिलहाल आगे, पहुँचते दारचा। दारचा मंदिर भाई साहब पहुँच चुके हैं फाइनली दारचा, और हाँ नीचे दारचा। तो फिलहाल तो अपना सफ़र कंटिन्यू ही रहेगा भाई, क्योंकि टाइम आगे भी बहुत हो गया यार, आज लेट हो गई गाड़ी ना। तो इस टाइम में हम पता कहाँ होते हैं, शिशु वाली साइड होते हैं, आटर कंडल पार कर रहे होते हैं। तो इस बार अभी दारचे ही पहुँचे यार। चलो वो देखो नीचे पुल, दारचा पुल आ गया। चलो चलते हैं फिलहाल आगे, कर लेते हैं दारचा पार। तो दारचा पार करने के बाद फिर चलना आगे चलेंगे, तो फिर आगे का भी दिखाएंगे हम आपको व्यू। चलो फिलहाल करते हैं दारचा पार। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं मैन दारचा, नीचे रहा पुल, ये रहा इधर एंट्री होगी, उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। चलो चलते हैं फिलहाल, फिर एंट्री करवाते हैं, एंट्री करवाने के बाद चलते हैं आगे, फिर आगे चलने के बाद करते हैं। तांदी कर दिया पार भाई साहब, फिलहाल चल रहे थे कंटिन्यू ही, दारचा से निकलने के बाद कंटिन्यू ड्राइव कर रहे थे, तो अभी तांदी पार कर दिया वहाँ से, वहाँ साथ में तांदी का लाकर आया। सारा नज़ारा रह गया शिशु 23 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं फिलहाल आगे, करते हैं शिशु भी पार, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का क्या सिचुएशन है, अंदर पार करने के बाद ही क्या करना है क्या नहीं। चलो फिलहाल शिशु शहर पहुँचेंगे, पार करें शिशु, उसके बाद देखते हैं जो योगा बताएंगे हम। चलते हैं फिलहाल आगे। तो भाई चल रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, देखिए इधर का नज़ारा कैसा मस्त नज़ारा, पेड़ देखो यार, बाकी छोड़ो हरियाली भी होती है, पीले पेड़ भी है, पीले पड़ जाए, बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गई ना बस, अब जब पूरे पीले पड़ जाएंगे फिर उसके बाद इनके पत्ते झड़ जाएंगे। तो बाकी ये रहा नज़ारा, शिशु पहुँचने ही वाले मतलब कि 10 किलोमीटर का फर्क है अभी, 14 किलोमीटर दिखाऊंगा शिशु, 14 किलोमीटर के बाद शिशु पहुँच जाएंगे। पहाड़ पर बर्फ है, पेड़ होंगे पत्ते पीले होने शुरू हो गए भाई, बर्फ में पूरे चढ़ जाएंगे। चलो फिलहाल चलते हैं आगे, करते हैं शिशु पार। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं शिशु, ये रहा शिशु, शिशु कर समझो मेन जगह पे पहुंच गए हैं, शिशु मार्केट है, मार्केट क्या है मतलब 2-4 दुकानें ही हैं। तो शिशु पहुंच चुके हैं प्रॉपर जगह, जिस जगह का नाम है शिशु, ये मेन जगह प्रॉपर शिशु पहुँच चुके हैं हम। तो फिलहाल शिशु कर दिया धीरे धीरे हमने पार, शिशु हो गया पार। तो फिलहाल चलते हैं हम आगे, आगे चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है आगे की, आगे चल के करते हैं हमसे बात भाई।
किला टंडल के अंदर घुस चुके हैं हम। बाहर से कई बार दिखाया हमने आपको कि अटल टंडल पहुंच गए, अटल टंडल के अंदर बैठ चुके हैं, जा रहे हैं। इस बार अंदर से दिखाते हैं हम आपको, अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। दिखिए भाई, देखिए, इंजॉय कीजिए भाई। अगलो भरा जी, यही नज़ारा है अटल टंडल मनाली। कहीं भाई को नहीं पता होगा यार, पूरा मैं बता देता हूँ डिटेल से। अटल टंडल कहाँ पड़ा है? ये पड़ा भाई मनाली में। मनाली कहाँ पड़ा? हिमाचल में। इसी का मनाली तो सुना ही होगा यार, कुल्लू मनाली फेमस जगह है। चलो फिलहाल मैं टंडल के अंदर ही चल रहा हूँ, तो अभी चलता हूँ फिलहाल आगे के लिए, तो टंडल वगैरह करते हैं पार, तो उसके बाद करते हैं आपसे बात। तो भाई टंडल पार करने के बाद आगे थे, आगे पूरा डाउन उतर के अभी मनाली किया पार। मनाली पार करने के बाद आगे चल रहे हैं, अभी कंटिन्यू अपना सफ़र जारी है भाई। तो चलते हैं फिलहाल आगे ही, होटल पे कहीं देखते हैं, और खाना बनाना था खुद का अपना, मगर सोच रहे हैं अभी टाइम काफ़ी हो गया है, होटल पे खा के सो जाएंगे यार, फिर आगे चलेंगे सुबह। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे ही, देखते हैं क्या सिचुएशन है। होटल पे पहले कहीं खाना खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जो भी होगी बताएंगे हम सिचुएशन। फ्रेंड्स कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो भाई बात ऐसे हुई कि रात को टंडल पार करने के बाद ना, मतलब मनाली पार करने के बाद सो गए थे, आगे राइस नहीं, उधर ही होटल पे खाया खाना। तो यार आपको पता है आदमी थक ही जाता है यार, रोड की बहुत बुरी कंडीशन है, देखा तो आया था आपने वीडियो में पीछे, इतनी बुरी कंडीशन है कि आदमी थक जाता है खुद पूछ के खड़े यार। अभी तो सीधा आगे गरम नींद ने इतना ही खाना खाया तो आगे सीधा सो गया भाई। तो अभी चले हैं इधर से आगे, तो अभी कुल्लू पार करके आगे आ गए हैं, मतलब अंतर बाईपास ख़त्म कर दिया, चल रहे हैं आगे की ओर धीरे धीरे। चलो फिलहाल करते हैं मंडी पार, फिर उसके बाद करते हैं आपसे बात। कल तो मंडी पहुँचे, देखते हैं क्या सिचुएशन आएगी। और खड़े हुए हुए थे ओट डैम के पास, तो चाय में पी लेते हैं, इधर लगाई गाड़ी हो गए, चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं इसे आगे। मैं इधर खड़ा ही, चलो शॉट ले लेते हैं, इधर का व्यू अच्छा आ रहा था नीचे दरिया का, देखो यार कितनी जबरदस्त है ये लग रहा है। तो चलो फिर चलते हैं जब इधर से आगे, कीजिए भाई आप पहले फिलहाल इसको एंजॉय, उसके बाद जब इधर से चलते हैं आगे तो फिलहाल मंडी करेंगे पार, उसके बाद करेंगे आपसे बात। मंडी पार करने के बाद भाई क्योंकि आगे सिंगर रोड है, थोड़ा जाम वगैरह लग जाएगा, थोड़ा खींच के रखनी पड़ेगी गाड़ी। तो चलो अब चलते हैं इधर से आगे, फिर करते हैं आपसे। भाई कंटिन्यू चल रहे हैं फिलहाल, बस ये तो अभी पहुंचने वाले हैं नेहर चौक, इधर रह गया थोड़ा सा ही रह गया इधर से नेहर चौक 2-3 किलोमीटर। चलते हैं फिलहाल नेहर चौक पार करते हैं, कलकर चढ़ेंगे चढ़ाई, तो उसके बाद चलते हैं ऊपर आगे जाके नहा धोगे, कहीं नहाएंगे, कपड़े कुपड़े धोएंगे, फ्रेश होने के बाद फिर निकलेंगे आगे के लिए खाना खाना खाने के बाद। तो चलो चलते हैं फिलहाल आ गई, नहाते धोते हैं तो फिर जहाँ पर जहाँ पे चल रहा है पानी, इधर ही अभी नहाए धोए तो कपड़े, इधर ही धोए कपड़े कुपड़े धो के थोड़े गाड़ी में खिला दिए, आगे चलेंगे तो आगे करते चलते सूख जाएंगे गाड़ी में। तो अभी हमने भी नहा लिया, भाई साहब नहा रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं भाई, गाड़ी भी साफ़ सफाई कर दी पूरी, फ्रेश कर दी अंदर से। तो चलो जब चलते हैं इधर से आगे, फिलहाल आगे जुल के खाएँगे खाना होटल पे कहीं, तो उधर से फिर आगे चलेंगे। तो चलो चलते हैं जब इधर से आगे, फिर करते हैं आपसे बात। तो भाई नहा धो के उधर से आने के बाद आगे, तो अभी पहुँचे हैं जाऊ, खाना भी खा लिया भाई, खाना ही खा के आए हैं उधर ही। जाऊ का एरिया ज़्यादा रहा मस्त, चलो चलते हैं फिलहाल आ गई यार, लेट हो गए बहुत काफ़ी, तो रात तक चलना पड़ेगा, फिलहाल चलते हैं और लगातार ड्राइव भी करेंगे, तो चलते हैं फिलहाल पहुँचते हैं ऊना, फिर करते हैं आपसे बात। फिलहाल ऊना तक तो पहुँचे ना, क्योंकि आगे का तो बाद में देखा जाएगा, ऊना पार करना जरूरी है भाई। चलो चलते हैं फिलहाल आगे, तो आगे जल्दी करते हैं। फाइनली भाई साहब पहुँच चुके हैं ऊना, ऊना में इंटर हो चुके हैं हम, ये रहा नज़ारा, ये आपने कई बार पहले भी देखा होगा वीडियो में। तो चल रहे हैं हम फिलहाल, करते हैं ऊना पार, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है क्या नहीं।
तो फिलहाल उन्हें पार कर लेते हैं, तो उसके बाद दिखाते हैं हम आपको आगे का नज़ारा। चलते हैं फिलहाल। नहीं भाई साहब, पहुंच चुके हैं जलंधर, तो अभी खाना खुना खाया है यार, अभी सोने लगे हैं, तो अभी करते हैं गुड नाइट। गुड नाइट क्या करते हैं भाई साहब, देर ना करते इस ब्लॉग को भी साथ में यहीं पर करते हैं, एंड इधर से अगर नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट, अगर भाई ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एंड अदर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।